राहुल जी को स्पष्ट करना चाहिए और देश में जाना है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर उनसे जवाब मांगा। उनके पास पासपोर्ट और नागरिकता पर पूरे देश को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि इसी मुद्दे पर तो विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर कई एक बार एनसीपी अलग हुई थी, आज वो उनके साथ है। देश जानना चाहता है जो सवाल रिटर्निंग अफसर के सामने खड़े किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जवाब चाहिए और देश को भी जवाब चाहिए। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, एक गंभीर पॉलिटिशियन की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। हंसने हंसाने का कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया तो क्या राहुल गांधी जी ने उनको देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का, उनको अपमानित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया? ऐसे भी राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़े बोझ बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पिछली बार जब वो किशनगंज और कटिहार के दौरे पर गए, उनके बयान को चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया, उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा हो जाने का और ये बयान देकर कि वो माइनॉरिटी के लोग वहाँ मेजॉरिटी में हैं, इस तरह से उन्होंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में बिहार को और देश को बांटने की कोशिश की। और ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार हर धर्म का सम्मान किया, अजान के वक्त भी हर बार अपनी तकरीर को रोका है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किशनगंज के बहादुरगंज में किया, वो उससे बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने बुरा माना। लेकिन जिस तरह की भाषा आज हुई है, इसको और दुर्भाग्यपूर्ण मानते राहुल गांधी खुद अभी उनको जवाब देना है अवमानना। लेकिन जिस तरह से भारत माता के सपूत, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस तरह के शब्द नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, देश इसके लिए न उनको क्षमा करेगा न कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को क्षमा करेगा। हमें उनके शब्दों पर घोर इतराज है, ईवीएम के जरिए जनता इसका जवाब देगी। Whatever services I have, very modest.